शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। भक्तों के लिए शिव कल्याणकारी है तो दुष्टों के लिए संहार करता। भक्तों के लिए शिव सौम्य है तो दुष्टों के लिए रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। शिव एक है लेकिन रूप अनेक है, और इसीलिए हम निकल पड़े हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए, जिसमें आज की कड़ी में हम आ पहुंचे हैं ओंकारेश्वर। मेरे ठीक पीछे आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये मंदिर देख सकते हैं, जो ज्योतिर्लिंग में चौथे स्थान पर आता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग की अपनी खास मान्यता है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ओंकारेश्वर के दर्शन मात्र से ही आपको सभी पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण सृष्टि यहाँ पर शिवमय नजर आती है। तो ज्योतिर्लिंग के इस पूरे सफर में हमारा आज का पड़ाव है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। सत्यम शिवम सुंदरम में द्वादश ज्योतिर्लिंगों की हमारी यात्रा केदारनाथ से शुरू हुई थी। केदारनाथ से काशी विश्वनाथ, बाबा वैद्यनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर होते हुए हम आ पहुँचे हैं ओंकारेश्वर, जो सब पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट बांधाता के पुर में सदा निवास करते हैं। उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर को प्रणाम। नर्मदा क्षेत्र में स्थित ओंकारेश्वर तीर्थ को इस जगह का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है। मान्यता ये है कि ओंकारेश्वर के दर्शन के बिना आपके ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं। इसकी एक विशेष वजह ये भी है कि नर्मदा नदी का भी अपना खास महत्व है। कहा यह जाता है कि यमुना जी में 15 दिन के स्नान से और गंगा जी में 7 दिन के स्नान से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो नर्मदा नदी में महज दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाती है। ओंकारेश्वर के बारे में हम आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। चूंकि द्वीप का आकार हिंदू प्रतीक चिन्ह ओम जैसा है, यहीं से ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर पड़ा। मंदिर जो है दीदी, ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। राजा मंधाता की तपस्या से भगवान ओंकारेश्वर ने यहाँ स्वयंभू के रूप में भगवान ने दर्शन दिया है। नर्मदा के चारों तरफ से नर्मदा ने इस मंदिर को अपने वेग में लिया है। ये ओम आकार का टापू है। स्वयंभू के रूप में नर्मदा जो है शिव पुत्री है, भगवान शिव जी की पुत्री नर्मदा है। और नर्मदा के चारों तरफ इस ज्योतिर्लिंग के भारत वर्ष में एक यही ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसके चारों तरफ माँ नर्मदा बह रही है। पौराणिक कथाओं में नर्मदा नदी का श्रेष्ठ स्थान है। पुराणों में नर्मदा का बखान अक्षय पुण्य देने वाली नदी के रूप में किया गया है। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा सिद्ध, नाग, यक्ष, गंधर्व, मानव, किन्नर सभी करते हैं। माँ नर्मदा का बखान शब्दों में समेटना मुश्किल है। उसी नर्मदा के किनारे विराजते हैं भगवान ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बाकी ज्योतिर्लिंगों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव दो स्वरूपों में विराजमान है। स्वयंभू स्वरूप में यहाँ यानी कि ओंकारेश्वर मंदिर में, और दूसरा स्वरूप ममलेश्वर मंदिर जो मेरे ठीक पीछे आप वहाँ पर देख सकते हैं, उस मंदिर में भी अगर आप दर्शन करते हैं तभी आपके दर्शन इस ज्योतिर्लिंग के पूर्ण माने जाएंगे। स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में ओंकारेश्वर क्षेत्र की महिमा का उल्लेख मिलता है। ओंकारेश्वर में कुल 68 तीर्थ फैले हुए हैं। मान्यता है कि क्षेत्र 33 करोड़ देवताओं का घर है। यहाँ पर दिव्य रूप में 108 प्रभावशाली शिवलिंग बताए जाते हैं। 84 योजन का विस्तार करने वाली माँ नर्मदा का विराट रूप माना जाता है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ऐसा एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है।
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान चौथे नंबर पर आता है और तमाम अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह ही इस ज्योतिर्लिंग से भी दो पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा विंध पर्वत से जुड़ी है और दूसरी राजा मंधाता को लेकर है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ममलेश्वर मंदिर में है जहां पर आप भक्तों का भारी हुजूम देख सकते हैं जो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन दरअसल इस मंदिर की खासियत क्या है? पुराणों के मुताबिक विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की आराधना की, पार्थिव लिंग रूप में पूजा और तपस्या की थी, तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रणव लिंग के रूप में अवतरित हुए। ये भी कहा जाता है कि देवताओं की प्रार्थना के पश्चात दो भागों में शिवलिंग विभक्त हो गया, एक भाग ओंकारेश्वर कहलाया और दूसरा भाग ममलेश्वर के रूप में जाना जाता है। और मेरे ठीक पीछे ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर आप देख सकते हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं कि यहाँ पर इधर ममलेश्वर दर्शन के लिए प्रवेश द्वार है, इधर नंदी की मूर्ति है। मैं 30 साल से हूँ, अच्छी खासियत है। ये ज्योतिर्लिंग है, वो प्रणव लिंग है, दोनों के दर्शन करने से एक महादेव होता है। संसार में वो नाभि केंद्र है और ये ज्योतिर्लिंग, नाभि केंद्र का दर्शन करने के बाद में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना पड़ता है जिसमें भगवान की ज्योति समाई है, वही ज्योतिर्लिंग कहलाता है। इसके दर्शन करने से शरीर में ऊर्जा फैलती है और शरीर का विकार दूर होता है, इसलिए लोग इतने बिगर पूछे श्रावण मास में दर्शन करने आते हैं। ममलेश्वर के बारे में कहा जाता है कि पहले जब साधन नहीं थे तब भक्त ममलेश्वर को ज्योतिर्लिंग मानकर पूछकर निकल जाते थे। वो यहाँ पर जब आज ही समय में आज से 500 वर्ष पूर्व जब आदमी यहाँ पर कोई साधन नहीं था, आते नहीं थे, तो उस समय ममलेश्वर को ही ज्योतिर्लिंग मानकर जल चढ़ा के वो चले जाते। ओंकारम ममलेश्वरम, अपने भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों का दर्शन करने के बाद में ही एक ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है। ओंकारेश्वर की दूसरी पौराणिक कथा राजा मंधाता से जुड़ी है। मान्यता है कि राजा मंधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया और तभी से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। ओंकारेश्वर मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। माना ये जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव रात्रि में विश्राम करते हैं और सिर्फ विश्राम ही नहीं, वो यहाँ पर चौसर भी खेलते हैं। इसीलिए रात्रि के समय नियमानुसार यहाँ पर चौसर बिछा दिया जाता है। जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो चौसर और उसके कुछ पासे बिखरे हुए मिलते हैं, जैसे कि रात्रि में उसे किसी ने खेला हो। ओंकारेश्वर में ओम शब्द समाहित है। कहा जाता है कि सबसे पहली बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ओमकार का उच्चारण किया। वेद पाठ का प्रारंभ ही ओम से होता है। अकार, उकार और मकार, अकार सतो गुण को, उकार रजो गुण को तथा मकार तमो गुण का प्रतीक है। इन्हीं तीनों शब्दों से बना है ओंकार। वहीं ओंकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर है। अब आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करना चाहते हैं तो मंदिर के खुलने, बंद होने और आरती के वक्त का ध्यान रखना जरूरी है। इस वक्त हम ओंकारेश्वर मंदिर में भीतर मौजूद हैं, जहां पर मेरे ठीक पीछे शिवलिंग है, गर्भगृह है और जो पूजा अर्चना का समय है वो पूरे दिन का है। लेकिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि दिन के समय करीब 12 से लेकर 1 बजे के बीच भगवान का शयन, भोजन, आरती ये किया जाता है, तो कुछ देर के लिए मंदिर को बंद रखा जाता है। लेकिन भारी भीड़ जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस भारी भीड़ से बचने के लिए मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। एक काउंटर पर आप जा सकते हैं, वहां पर आप एक विशेष पर्ची कटाकर इस लंबी लाइन से कुछ हद तक
बच सकते हैं। ओंकारेश्वर में भक्तों की भीड़ की वजह से दर्शन में समय लगता है। समय बचाने और सुविधा के उद्देश्य से मंदिर में विशेष प्रवेश द्वार से दर्शन की व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रांगण के काउंटर से मामूली पैसे देकर आप विशेष दर्शन के टिकट ले सकते हैं। यही नहीं, ओंकारेश्वर मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पूजा अभिषेक आदि के लिए श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सेवाएं उपलब्ध की गई हैं। मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर दर्शन पूजन के अलावा आप अगर कोई विशेष पूजा या फिर रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी मंदिर के प्रांगण में ही व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई है। यहाँ पर अधिकृत पुजारी मौजूद हैं जो आपके मन मुताबिक आपकी पूजा अर्चना करवा सकते हैं। अगर आपको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करानी है उसकी भी सुविधा मौजूद है। यहाँ पर रसीद भी आप कटवा सकते हैं, ऐप के जरिए भी ये बुकिंग करवा सकते हैं, या फिर स्वयं यहाँ पर आ जाइए और किसी भी पुजारी से कोई विशिष्ट पूजा आपको करानी है अपने परिवार के लिए, अपने समस्त जनों के लिए, तो यहाँ पर आकर आप वो पूजा करवा सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का संयोजन है। मंदिर परिसर में दो मुख्य मंदिर हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, जो नर्मदा नदी के विपरीत तट पर स्थित हैं। ओंकारेश्वर मंदिर उत्तरी तट पर स्थित है जबकि ममलेश्वर मंदिर नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर एक 5 मंजिला संरचना है। दूसरी ओर द्रविड़ शैली की वास्तुकला में निर्मित ममलेश्वर मंदिर अपेक्षाकृत छोटा है। बेहद दार्शनिक नर्मदा नदी के तट पर बसा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अगर आप इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पर स्नान और ध्यान भी कर सकते हैं और आसपास आपको नजर आएगा कि बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जो विभिन्न ट्रस्ट और संस्थाओं द्वारा बनाई गई हैं, जहां पर रुकने और ठहरने की व्यवस्था है। इसके साथ ही कई और ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जहां पर आप दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं इस ज्योतिर्लिंग के अलावा। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने का कई रास्ते हैं, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से या फिर हवाई मार्ग से भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं, तो यहां तक पहुंचना काफी ज्यादा सुगम है। ओंकारेश्वर तक सीधी उड़ान सेवा नहीं है, यहां का निकटतम एयरपोर्ट इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। ये ओंकारेश्वर से करीब 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर पहुंचने के बाद टैक्सी, बस या फिर कैब से आप ओंकारेश्वर पहुंच सकते हैं। ट्रेन से ओंकारेश्वर जाने के लिए खंडवा जंक्शन सबसे निकटतम है। ओंकारेश्वर से खंडवा की दूरी करीब 72 किलोमीटर है। दूसरा विकल्प इंदौर है। ट्रेन से खंडवा या इंदौर पहुंचने के बाद आप बस, टैक्सी या कैब करके ओंकारेश्वर पहुंच सकते हैं। सड़क के रास्ते आप कहीं से भी यहां पहुंच सकते हैं। यहां का करीबी बस अड्डा मोटक्का मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन के लिए सीधी बसें उपलब्ध हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं राजस्थान से अपने सिरोही जिले से कारोली गांव है, तहसील अबू रोड से आया हूँ। बहुत अच्छा दर्शन दिखा और बाबा के भोलेनाथ के दर्शन किए। कभी भोग लग रहा था, उसके बाद अभी दर्शन किए। बहुत व्यवस्था अच्छी है, बहुत मजा आया, आनंद आ गया। बहुत अच्छा दर्शन मिल रहा है, सावन का महीना है। हर वर्ष आते हैं, पूरे श्रावण में अनुष्ठान पूजन पाठ यज्ञाति पार्थिव पूजा करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, पूरा श्रावण महीना रहते हैं यहाँ पे। अगर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप आते हैं तो आपके लिए और भी जगह है घूमने और देखने के लिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर में सैलानी आइलैंड विकसित किया गया है। ओंकारेश्वर आए तो आप हनुवंतिया टापू देखने के लिए भी जा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया जल पर्यटन स्थल है। आसपास देखने लायक इलाकों में महेश्वर भी है। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे बसा ये शहर अपने आप में बहुत ही सुंदर और भव्य घाट तथा महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घाट पर अत्यंत कलात्मक मंदिर है। ओंकारेश्वर में मुख्य मंदिर से पहले पंचमुखी गणेश मंदिर स्थित है। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। यह उसी पत्थर में उत्पन्न हुई है जिसमें श्री ओंकारेश्वर प्रकट हुए हैं। आप सिद्धवर कूट जैन तीर्थ भी जा सकते हैं। नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ सिद्धवर कूट स्थित है।
द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अपने सफर में आज हमने आपको दर्शन कराए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के, और साथ ही बताया कि कैसे आप इस ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। इसी तरीके से हमारा यह सफर आगे भी जारी रहेगा, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।